हाय दोस्तों, तो आज हम ट्राई करने वाले हैं बकलावा। बकलावा बॉक्स नाम की वेबसाइट है जो पॉपअप में आई थी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, क्योंकि मैं काफ़ी फूड वगैरह फॉलो कर रहा होता हूँ, पोस्ट वगैरह डाल रहा होता हूँ, तो वहाँ पे उनका सजेशन आया था। तो वहाँ से मैंने ऑर्डर किया है। अब जो मैंने ऑर्डर किया है वो है 500 ग्राम का बॉक्स ऑर्डर किया मैंने, एक बकलावा का, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बकलावाज हैं, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बकलावाज हैं। और एक मैंने ऑर्डर किया है 500 ग्राम का ही, चार कुनाफा हैं, असॉर्टेड कुनाफा। क्या होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट देखने में अच्छा लग रहा था और कुछ यूनिक सा लग रहा था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। अब देखते हैं, जब आता है तो डिलीवरी आने वाली है, तो मैं जाके पिक करके आता हूँ। मैं तब तक इनकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। बकलावा बॉक्स डॉट कॉम नाम से है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें इन्होंने एक ही जगह पे सारी इकट्ठी कर रखी हैं। डेट्स हैं, इंडियन स्वीट्स हैं, लड्डू लड्डू भी देते हैं ये लोग। और पैकेजिंग काफ़ी प्रीमियम सी है इनकी, उसी वजह से आई गेस चार्ज काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आई एम अज्यूमिंग कि जो 500 ग्राम इन्होंने लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट 500 ग्राम नहीं मिल रहा होगा, डिब्बे का जो वेट है वो इंक्लूड करके 500 ग्राम होगा, और डिब्बा भी काफ़ी भारी सा ही दिख रहा है इनका। तो मैंने ये ऑर्डर किया है, 500 ग्राम असॉर्टेड कुनाफा प्लस 500 ग्राम बकलावा, मिक्स्ड बकलावा बॉक्स। ये आ गया है हमारा डिब्बा, काफ़ी बड़ा है साइज़ में। मैं एज्यूम कर रहा था कि बड़ा आएगा, बट ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। इसमें दोनों एक साथ ही पैकेजिंग में है। अब इसे करते हैं ओपन। ये ब्लू डार्ट की पैकेजिंग में आया है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही बबल रैप करके भेजा हुआ है कि अंदर कुछ ऐसा सामान हो जो हिले डुले तो ख़राब ना हो, तो दैट इज़ गुड। अब इसको करते हैं ओपन। अब जैसा कि मैंने बोला था, पैकेजिंग काफ़ी प्रीमियम सी होती है इनकी, वो दिख भी रही है। काफ़ी ग्लेज्ड डब्बे एंड ग्लेज्ड कवर वगैरह है, और मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा प्राइस तो इनका डब्बों की वजह से ही है। ओके, ये एक रह गया, इसको भी खोल लेते हैं। ये है हमारा बकलावा, मिक्स्ड बकलावा बॉक्स, जिसमें हमारे पास चार अलग अलग टाइप के बकलावा हैं। दूसरे वाले को खोलते हैं। ये है आपका कुनाफा का बॉक्स, इसमें टेप नहीं लगी। आई थॉट कुनाफा भी अलग अलग आएंगे, बट ये चारों सेम ही लग रहे हैं। बट ठीक है, लेट्स टेस्ट। अभी इनको खा के भी देखते हैं। ये है आपका कुनाफा और ये है बकलावा। कुनाफा की पैकिंग पॉली रैप से कर रखी है, दैट इज़ काइंड ऑफ गुड, ताकि ये स्पिल ना हो और एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, बट ये वैसे भी काफ़ी हार्ड लग रहे हैं। और ये हैं आपके बकलावा जो चार अलग अलग टाइप के हैं। इसमें दो मेरे को फील्ड दिखाई हाँ दे रहे हैं यार, और दो नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक करके खा के देखते हैं। ट्राई करते हैं। चार अलग अलग टाइप के हैं। ब्रूनो रुक जाओ, खा लेना तो मुझे, रुक जाओ। अरे यार, आपने शाही टुकड़ा खाया हो तो ये वैसा सा है, बट ड्राई शाही टुकड़ा, काइंड ऑफ जो पहला वाला खाया रेफरेंस के लिए खोल देता हूँ। कल मैंने खाया ये वाला, काइंड नेक्स्ट आते हैं इस पे।
इसका टेस्ट डोडा बर्फी टाइप का है, जो आपकी हैवी वाली मिठाई आती है जो लोग खरीदते हैं यूजुअली त्यौहार वगैरह में, पहले ये वाली रहते हैं। ये वाली ये एक साथ तीन थे चिपके हुए, मतलब नॉर्मल मीठी सी पपड़ी लग रही है, लास्ट वाली पे आते हैं। ये कुछ अलग टेस्ट है, पिस्ता वगैरह भर रखे हैं, थोड़ा सा बर्न्ड वाला टेस्ट है इसका, जैसे कुछ जला जला खा रहे हो। ये मुझे नहीं पसंद है लास्ट वाला जो है, बाकी ऑल वर गुड। अब आते हैं कुनाफा पे, अब ये टूटेगा कैसे? गॉट इट। ओहो, तो इसमें भी लेयर्स हैं, अंदर फिलिंग्स हैं, मेरे को लग रहा था बाहर बाहर से इतना ही है, बट इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरे हुए हैं क्रीम के साथ। केसर का काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, जो आपकी केसर वाली मिठाइयाँ होती हैं उसी का एनहेंस्ड वर्जन है, एंड मुंह में इट फील्स लाइक जो आपकी जर्दे वाली सेवैयाँ होती है आप जो हम ईद में खाते हैं वैसा सा टेक्सचर है। कुनाफा इज़ गुड, मेरे को जो एक चीज़ अच्छी लगी वह ये वाला, बाकी ऑल ओवर टॉलरेबल। ओके, टाइम फॉर फाइनल वर्डिक्ट। तो ये बकलावा हमने मंगाया था, इसका डब्बा काफ़ी फैंसी है जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दोनों मिला के मेरे को टोटल जो दोनों डब्बे थे ये मेरे को टोटली 2700 के पड़े, जो वेबसाइट पे 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम का जो इनका कॉम्बो था। बट अगर एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि खाते ही बिल्कुल दिमाग फट जाएगा या बिल्कुल क्या ही खा लिया, वाह बहुत औसम, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरे को मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे लोगों ने सुशी ओवर रेट कर रखी है काफ़ी बोल बोल के, मुझे वो भी पसंद नहीं आई ज़्यादा, वैसे ही बकलावा भी ओवर रेट कर रखा है, मतलब टर्किश डिलाइट बोल बोल के आई गेस, इसका नाम बढ़ा रखा है इसी वजह से इसके पैसे काफ़ी बढ़े हुए हैं। और अगर ऐसा है कि अपनी ज़िंदगी में खाना है एक बार ट्राई करना है तो आप ज़रूर करो, उसके लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। बट अगर ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि ज़िंदगी में कुछ मिस कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ आपको अमेजिंग नहीं मिलने वाला, आप जो खा रहे हो मस्त खा रहे हो। इससे बढ़िया मैं अगर रसगुल्ले या स्पंज वाले रसगुल्ले मंगा लेता तो उसमें ज़्यादा खुश रहता हूँ मैं। बट ठीक है, अब मैं वैसे सजेस्ट तो नहीं करूँगा, मैं इसीलिए आपके साथ बैठा हुआ हूँ ताकि आप मैं वो बता सकूँ कि आप क्या गलतियाँ ना करो। बट बाकी तो आपके ऊपर, अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस करना है तो ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए।